नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिशू, यानी इपिथेलियल टिशू का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए कनेक्शन, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी सिक्रेशन, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कनेक्शन और प्रोटेक्शन दोनों ही। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कनेक्शन और प्रोटेक्शन दोनों ही कार्य होता है इपिथेलियल टिशू का। दूसरा प्रश्न हो गया, एडिपोज टिशू इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिशू। तो एडिपोज टिशू जो है ये किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए नर्वस टिशू, बी कनेक्टिव टिशू, सी इपिथेलियल टिशू, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो एडिपोज टिशू है दोस्तों ये एक कनेक्टिव टिशू है, संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिशू इज नोन एज, कॉन्ट्रैक्टाइल टिशू को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया ब्लड, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी मसल, या फिर ऑप्शन डी लिम्फ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मसल, यानी मसल को हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल टिशू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, टाइप्स ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स, कितने प्रकार के मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 3 टाइप के हमारे बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसवर्स डार्क ए बैंड एंड लाइट आई बैंड प्रेजेंट इन। तो जो डार्क ए बैंड होता है और लाइट आई बैंड होता है ये किस तरह के मसल्स में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन हो गया ए हर्ट मसल, बी इनवॉलेंट्री मसल, सी वॉलेंट्री मसल, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो ए बैंड होता है, डार्क ए बैंड और लाइट आई बैंड होता है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स में प्रेजेंट होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेन फंक्शन ऑफ मायोसिन। तो मायोसिन का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए स्टोरेज ऑफ फैट, फैट का स्टोरेज करना, या फिर ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, या फिर ऑप्शन सी एडीपीएज एक्टिविटी, या फिर ऑप्शन डी एटीपीएज एक्टिविटी। तो मायोसिन का जो मेन फंक्शन होता है ये होता है एटीपीएज एक्टिविटी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय। तो मसल में यानी मांसपेशियों में जो संकुचन होता है ये किसके द्वारा इनिशिएटेड किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीन एक्टिवेशन, प्रोटीन के एक्टिवेशन से, या फिर ऑप्शन बी एटीपी डिसोसिएशन, एटीपी के डिसोसिएशन से, या फिर ऑप्शन सी एटीपी एक्टिवेशन से, या फिर ऑप्शन डी एडीपी डिसोसिएशन। तो इसका सही जवाब है बी नंबर ऑप्शन, एटीपी डिसोसिएशन। एटीपी का जब डिसोसिएशन होता है तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिशू, ब्लड किस तरह का टिशू है। ऑप्शन ए नर्वस टिशू, ऑप्शन बी इपिथेलियल टिशू, ऑप्शन सी मस्कुलर टिशू, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नन ऑफ दीज, क्योंकि ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिशू है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मैनी आयरन एटम्स प्रजेंट इन ए सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो एक सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने आयरन एटम प्रजेंट होते हैं। ऑप्शन ए हो गया 3, ऑप्शन बी हो गया 6, ऑप्शन सी हो गया 4, और ऑप्शन डी हो गया 1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन एटम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फेगोसाइटिक इन नेचर। इनमें से कौन से ऐसे सेल हैं जो फेगोसाइटिक होते हैं प्रकृति में, नेचर में फेगोसाइटिक होते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया आरबीसी, ऑप्शन बी हो गया प्लेटलेट्स, या फिर ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफिशियंसी ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स इज नोन एज। तो डिफिशियंसी अगर ग्रेन्युलोसाइट्स का हो जाएगा, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे। पहला हो गया ऑप्शन ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे, या फिर ऑप्शन बी ग्रेन्युलोसाइटोसिस बोलेंगे, या फिर ऑप्शन सी ल्यूकेमिया बोलेंगे, या फिर इसको डी ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस बोलेंगे। तो इसका सही जवाब है
एग्रेन्युलोसाइटोसिस, मतलब जब भी ग्रेन्युलोसाइटोसिस ग्रेन्युलोसाइट्स का डिफिशियंसी हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एग्रेन्युलोसाइटोसिस। नेक्स्ट प्रश्न हो गया साइट ऑफ बोन मेरो एस्पिरेशन, तो बोन मेरो का एस्पिरेशन कहाँ से किया जाता है, मतलब कहाँ से बोन मेरो को निकाला जाता है। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर सल्क, या फिर ऑप्शन बी ह्यूमेरस, या फिर ऑप्शन सी इलियाक बोन्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कहाँ से निकाला जाता है, तो इसका सही जवाब है बोन मेरो एस्पिरेशन कहाँ से होता है, ऑप्शन सी इलियाक बोन्स से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्लाज्मा प्रोटीन दैट कैन पास थ्रू द कैपिलरी एंडोथीलियम, तो कौन से ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि कैपिलरी एंडोथीलियम को पास कर जाते हैं। ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, यानी जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि कैपिलरी एंडोथीलियम को पास कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है ई एस आर इज हाईली इंक्रीज्ड इन, तो ई एस आर किस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फीवर में, या फिर कोल्ड में, या फिर रूमेटाइड अर्थराइटिस में, या फिर हेडेक में। तो इसका सही जवाब है रूमेटाइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट, तो एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है वो उसके बॉडी वेट का कितना परसेंटेज होता है। ऑप्शन ए 9-10% होता है, ऑप्शन बी 15-16% होता है, या फिर ऑप्शन सी 2-3% होता है, या फिर डी 7-8% होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7-8%, यानी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है ये उसके बॉडी वेट का 7-8% होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और इसके बाद भी मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से कुछ वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।